हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन तथा प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब प्रदेश में लोगों ने वैकल्पिक पर्यावरण मित्र चीजों को अपनाना शुरू कर दिया है। किन्नौर के किल्बा गांव के लोग पिछले 2 साल से अपने घरों में कुल्हड़ व सुराही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किल्बा गांव पिछले 2-3 सालों से प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से 1 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक इकट्ठे कर चुके हैं। किन्नौर जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पर्यटकों को जागरूक बनाने के लिए एक थैला तैयार किया है, जिस पर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान वर्जित है तथा हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है के संदेश लिखे गए हैं। इस तरह से उन्हें सावधान भी किया गया है कि ऐसा करने पर वे परेशानी में पड़ सकते हैं। ये पर्यावरण मित्र बैग जिला प्रशासन की ओर से किन्नौर घूमने आने वाले पर्यटकों को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमने इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स बना रखे हैं जो हम इन पर्यटकों को देंगे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी ये मिनरल वाटर्स की बोतलें हैं और ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, इसके स्थान के ऊपर हम परंपरागत जो हमारे सुराही है, घड़े हैं, उनका उपयोग हम लाएंगे। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने खुद ये सुनिश्चित किया है कि जब भी कोई यहाँ बैठक होगी या कोई ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ लोग मिलेंगे, तब हम सुराही घड़ों के उपयोग से पानी पिलाया करेंगे। जनजातीय जिला होने के बावजूद किन्नौर प्रशासन ने जो उदाहरण प्रदेश के सामने पेश किया है, उससे हिमाचल के पर्यावरण बचाव आंदोलन को मजबूती मिली है। सीताराम नेगी के साथ नंदिनी मित्तल, DD News, किन्नौर।